मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम अभी मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। आज हम निकल रहे हैं कुतुब मीनार के लिए, उसके बाद निकलेंगे अपने फ्रेंड के यहाँ मिलने। तो थोड़ी बाद में मैं पहुंच रहा हूँ अभी मेट्रो स्टेशन, उसके बाद बात कर रहे हैं, मेट्रो का वेट कर रहे हैं। चल के मेट्रो पे फिर कुतुब मीनार चलेंगे। आज कुतुब मीनार पूरा घूमकर आने वाले हैं, ठीक। तो प्लेटफार्म नंबर 2 से हम पकड़ेंगे, उसके बाद वेट करेंगे थोड़ी देर, मेट्रो आ जाएगी तो कुतुब मीनार करके घूमा जाएगा। क्योंकि अभी मेट्रो के बाद मुझे कुतुब मीनार पे जाना है और कुतुब मीनार के बाद अपने फ्रेंड से भी मिलने चलूंगा। चलिए निकलते हैं, मेट्रो आ चुकी है। मेट्रो से चल दिए हम लोग। मेट्रो से जाने के बाद अभी फ्रेंड्स वहाँ वेट कर रहा होगा, फिर हम फ्रेंड्स से मिलेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। मेट्रो से चल दिए हम लोग। मेट्रो से जाने के बाद अभी फ्रेंड्स वहाँ वेट कर रहा होगा, फिर हम फ्रेंड्स से मिलेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से मैं बाहर आ गया हूँ और मैं कुतुब मीनार के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ से ऑटो भी पकड़ने पड़ेंगे, चल रहा हूँ, ऑटो कर रहा हूँ। फिर कुतुब मीनार जाने के बाद आप लोगों से मिलेंगे और कुतुब मीनार की सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुतुब मीनार को दिखाऊंगा। कुतुब मीनार के गेट पे हमें टोकन लेना पड़ रहा है अंदर जाने के लिए। फ्रिक्सिंग जोर से हम लोग बाहर निकल गए, फिर अब एंट्री कर रहे हैं कुतुब मीनार की तरफ। गेट ऑलरेडी जो दिया हुआ है, जो कि गेट से एंट्री करना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार के, सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा। कुतुब मीनार दूर से ही थोड़ी देख लीजिए। पूरा कुतुब मीनार जो है वो रेड मार्बल से बना हुआ है। और जो की है कुतुब मीनार, हम उधर चलेंगे कुतुब मीनार की तरफ, आपको दिख रहा होगा। अभी हम लोग बाहर हैं, अभी एंट्री कर रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ेंगे और सारी चीजें मैं आप लोगों को कवर करूंगा। ये जो बना हुआ है, इसके पास से मैं चल के आप लोगों को फिगर दिखा रहा हूँ। हम लोग अलाई मीनार के पास हैं, जिसे बोला जाता है कि अलाई मीनार ने अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो पास से अलाई मीनार को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसको मैं बैक से दिखा रहा हूँ। देखिए, अलाई मीनार 1311 ईस्वी दिया है। इस अर्धनिर्मित मीनार का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर किया गया था, ठीक है, 1296 से 1316 ईस्वी में अलाई मीनार। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। हालांकि ऑलरेडी इधर और टूरिस्ट आए पड़े हैं। ये कुआं, ये जो कि और देखते हैं कुआं है कि नहीं है। बाकी कुआं ढका हुआ है गाइस, और एक कबूतर है। आगे बढ़ते हैं, इधर किसी का मकबरा भी था। तो गाइज, ये इल्तुतमिश का मकबरा है, जिसमें अंदर हम चल रहे हैं और इसमें कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके मकबरे के दरवाजे पे सब कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये उसका मकबरा है इल्तुतमिश का, ठीक है। तो मकबरा ये बना हुआ है इल्तुतमिश के द्वारा, उसी का देखिए, इल्तुतमिश का जो मकबरा है 1235 ईस्वी में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे। और यह मकबरा जो रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान गढ़ी के निर्माण से 5 साल बाद सन 1235 में बनवाया था इल्तुतमिश का मकबरा, जो आप लोग अंदर से देखे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये सभी चीजें दिया हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कुतुब मीनार। उसके बाहरी राउंड से हम लोग अंदर घुसेंगे। और ये कुतुब मीनार जो है बाहरी राउंड धीरे धीरे अब गिर रहा है, ठीक है, जर्जर हो चुका है, जो कि पत्थरों से बना था, लाल पत्थरों से पूरा निर्माण हो रहा था। हम चलेंगे इसके अंदर भी, कुतुब मीनार के अंदर अगर अलाउ होगा तो चला जाएगा, अगर अदरवाइज बाहरी बाहर हम दिखाएंगे। अब चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। कुतुब मीनार के पास से हम आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई जो है 73 मीटर है, ठीक है। और जो नीचे का जो डाया है इसका,
नीचे वाला डाया जो है ये लगभग 40 मीटर के आसपास है और ऊपर की जो डाया है ये 4 मीटर, जो ऊपर जाके डाया जो हो रहा है इसका 4 मीटर होता है। गाइज हम कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में है, थोड़ी दूर पे मेरा कुतुब मीनार है और मैं नीचे चलूंगा उसके पास भी चल रहा हूँ। हालांकि सभी टूरिस्ट इधर बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, वियतनाम से अभी जो मिले थे, हम लोग रेड कलर का ड्रेस पहने थे, वो सभी वियतनाम से यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और यहाँ पे बहुत से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं कुतुब मीनार को देखने के लिए पास से। अब मैं बिल्कुल करीब कुतुब मीनार पहुँचने वाला हूँ, देखिए कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं जो कि कुतुब मीनार को देखने के लिए हैं। कुतुब मीनार के पास है और ये देखिए कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और जो ये पास की जो डायमीटर है ना, और इस पे सभी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। मैं पास से आप लोगों को दिखा दूं, इस पे इसको जो बनाया था इल्तुतमिश ने बनाया था, हालांकि और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसमें थोड़ा सा हाथ लगाया था दो फ्लोर के लिए। तो ये देखिए कुरान की आयतें ऑलरेडी इस पे लिखी हुई है और अंदर एंट्री के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। ये मेन दरवाजा है कुतुब मीनार का जो कि लाल पत्थरों से रेड मार्बल से बना हुआ है, ऑलरेडी ताला लगा पड़ा है। और कुतुब मीनार के जस्ट पीछे जो ये दिखाई दे रहा है ये अलाई दरवाजा है जो कि ये भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, अलाई दरवाजा, ठीक है। इसके अंदर भी हम एंट्री करते हैं, एंट्री कर रहे हैं। ये अलाई दरवाजा का अंदर का पार्ट्स जो कि ये भी रेड मार्बल से बने हुए थे, रेड मार्बल ही है। अलाई दरवाजे के चारों तरफ 1, 2, 3, 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं, ठीक है। और अलाई दरवाजा के पीछे इधर साइड में आप लोग देखें ये हम नीचे आ गए अलाई दरवाजा के जब बगल वाली गली से, बगल वाले दरवाजे से, तो इधर सब लोग चल रहे हैं, हम सभी चलेंगे उस साइड भी जिधर दिख रहे हैं पहाड़ की तरफ। और अलाई दरवाजा के साइड से हम इधर बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये अलाई दरवाजा मैं दूर से दिखाऊंगा इसको, देखिए कुतुब मीनार अलाई दरवाजा, ठीक है। और इसके जस्ट बगल की ये सारी चीन, लोग अपने फैमिली के साथ भी घूमने आए हुए हैं और जगह जगह पे बैठकर अपनी बातें कर रहे हैं और कुतुब मीनार का जो सुबह है दृश्य उसको देखकर मजा ले रहे हैं। अलाई दरवाजा आप लोगों ने देख लिया, अलाई दरवाजे के अंदर हूँ, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ अलाई दरवाजे से। इसको मैं आप लोगों को बता दिया सारी डिटेल, अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं और क्या रह गया है। तो गाइस इधर आप लोग सभी चीजें घूम लिए कुतुब मीनार के, इधर से देखिए कुतुब मीनार जस्ट ये है और जस्ट बगल में इसके अलाई दरवाजा था। और इधर अभी हम लोग नहीं गए, इधर चल के देखते हैं क्या है उधर, ठीक है। तो यह है कुतुब मीनार के साइड का कुतुब मीनार, देखिए कितना ऊंचा दिख रहा है, 73 मीटर ऊंचाई है इसकी। और कुतुब मीनार के बगल में ऐसे फील्ड टाइप का है जो कि अलाई दरवाजा से होते हुए, ठीक, सारी चीजें आपको दिख गया ये। अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, अभी नहीं गया हम लोग, इसके अंदर देखते हैं क्या है, अभी मैं भी नहीं गया हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या था। यह एक विश्वदाय स्थल है, इसकी सुरक्षा हमारा दायित्व है, चलिए। लौह स्तंभ, आयरन पिलर, 4th century AD में बना था, ठीक है। तो इसके अंदर आयरन पिलर है जिसमें चल के आयरन पिलर तो देखते हैं। ये मैं आ गया आयरन पिलर को लिया, और आयरन पिलर ये देखिए आयरन पिलर के अंदर किस दृश्य, ये आयरन पिलर, आयरन पिलर जो बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ है वो है आयरन पिलर, ठीक। ऐसा आयरन पिलर के बारे में क्या लिखा हुआ है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित, ये कुवतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है। ये देख लीजिए मस्जिद जो है ये कुवतुल क्या है, इस्लाम मस्जिद है, के आंगन में स्थित है। यह लौह स्तंभ जो है कि गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि संस्कृति में एक लेख है जिसे पूर्वलिखित दृष्टि से 34वीं शताब्दी में निर्धारित किया गया था। तो लौह स्तंभ को मैं एक बार दिखा दूं, कुतुब मीनार आपको दिखाई दे रहा था, कुतुब मीनार के जस्ट पीछे अलाई
अलाई दरवाजा था और उसके जस्ट सामने बगल में जो है ये मस्जिद है, ये मस्जिद का आंगन है, ठीक है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो कि इधर है। सभी लोग इसके अंदर भी फोटो ले रहे हैं, हम भी थोड़ी वीडियो ले लें। कुवतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर का सीन जो है, ठीक है, तो ये कुवतुल इस्लाम की मस्जिद थी अंदर, और बाहर जो है पूरा मैदान है और लौह स्तंभ बीच में है, ठीक, और अलाई दरवाजा मैं आप लोग को दिखाई दिया। बहुत से पिलर इसमें है, इस मस्जिद के अंदर पिलर बहुत ज्यादा हैं। और बाहर की तरफ देखें तो इधर देखें, आप सबने कुतुब मीनार देख लिया। अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम द कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं अब यहाँ से चलूंगा तो पहले फ्रेंड्स के यहाँ जाना है। अब मैं फ्रेंड्स को बुला दिया हूँ, मुझे मेट्रो के थ्रू फ्रेंड्स के यहाँ जाकर उसे मिलूंगा। हालांकि अभी दिल्ली में एक दो दिन और रहना है, एक दो दिन रहकर और दिल्ली को घूमा जाएगा, और भी सारी चीजें हम लोग घूम लेंगे, ठीक है। तो बने रहेगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाले समय में आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए वीडियो को इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।